अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आपको कंस्ट्रक्शन गाइडेंस वीडियो में वेलकम करता है। आज की वीडियो है लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम और आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स के मवाजने के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं घर में स्पेसिंग की। जब आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से घर बनाते हैं, दरवाजों और खिड़कियों की पैमाइश के बारे में, जो इस बारे में है कि घर को आप कितना ऊंचा कर सकते हैं। अब आते हैं छठे पॉइंट की तरफ, जो जलजले के असर के बारे में है। तो आरसीसी फ्रेम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वायरल कर दें इस वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोस देखी है उनको तो दोनों का फर्क मालूम ही होगा, लेकिन नए आने वाले व्यूअर्स को मैं ये बता दूं कि लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम वो होता है जो लगभग 80% लोग पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसमें घर का सारा वजन ईंटों की चुनाई के जरिए बुनियादों में जा रहा होता है। जबकि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, जिसको री इन्फोर्स कॉन्क्रीट कॉलम स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं लिखा हुआ, उसमें घर का वजन छत की स्लैब से लेकर पहले बीम में और फिर कॉलम में और फिर बुनियादों में जाता है। तो आज की वीडियो इन्हीं दोनों सिस्टम्स का मुवाजना करेगी। आपको बताता चलूं कि आप लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम से भी घर बना सकते हैं और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से भी घर बना सकते हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा सिस्टम आप फॉलो करें तो ज्यादा फायदा होगा वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दोनों का फर्क तो मैंने आपको बता ही दिया कि लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम में ईंटों की चुनाई के जरिए वजन बुनियादों तक जाता है, जबकि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में बीम और कॉलम के जरिए नीचे जाता है। सबसे पहले बात करते हैं घर में स्पेसिंग की। जब आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से घर बनाते हैं तो कमरों की स्पेस थोड़ी ज्यादा हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि आपको 9 इंच की बजाय 4 इंच की दीवारें बनानी पड़ती हैं, क्योंकि वो सिर्फ पार्टीशन का ही तो काम कर रही होती हैं, बल्कि आप दीवारों को भी छोड़ें, आप खाली लकड़ी की पार्टीशन भी कर दें तब भी चलेगा, क्योंकि पार्टीशन का तो कोई काम नहीं है वजन को नीचे पहुंचाने में। वजन तो कॉलम के जरिए नीचे जा रहा है। दो स्पेसेस को आपने अगर डिवाइड करना है तो किसी भी किस्म की पार्टीशन आप लगा सकते हैं, लेकिन जाहिर है लकड़ी की पार्टीशन लगाएंगे तो उसमें से आवाजें आ सकती हैं, तो आपको 4 इंच की दीवार तो लगानी ही पड़ेगी। तो जब आप 9 इंच के बजाय 4 इंच की दीवार लगाते हैं तो सोचिए सीधा सीधा आपको 5 इंच एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है, एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। तो कमरा आपका एक साइड से ही 10 इंच खुला हो गया, इसी तरह दूसरी साइड से भी 10 इंच खुला हो गया। तो कमरों की स्पेसिंग आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम की निस्बत ज्यादा होती है। लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम में सारी ही दीवारें आपको 9-9 इंच की बनानी पड़ती है। सिर्फ कमरों और बाथरूम की सेपरेशन वॉल को आप 4 इंच का बना सकते हैं, बाकी पूरे घर की दीवारें आपको 9 इंच की बनानी पड़ती है। तो जाहिर है जितनी मोटी दीवार होगी उतनी ही यूजेबल स्पेस कम हो जाएगी। चले अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दरवाजों और खिड़कियों की पैमाइश के बारे में। जब आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप खिड़की को कितना भी खुला करना चाहें आप कर सकते हैं, आप कहीं पर भी खिड़कियां रख सकते हैं। इसी तरह दरवाजों को भी आप जितना भी खुला करना चाहें आप कर सकते हैं, जबकि लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम में आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि खिड़की और दरवाजे ज्यादा खुले या बड़े ना हो जाएं, क्योंकि वरना चुनाई कम होती जाएगी और वो स्पेस जो के वजन को ऊपर से नीचे तक शिफ्ट कर रही है वो कम होती जाएगी। तो खिड़कियां और दरवाजे रखने की जगह और स्पेसिंग आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम की निस्बत। चले आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का घर जल्दी बनता है लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम के घर की निस्बत, क्योंकि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कंक्रीट के होते हैं आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में, जो कि जल्दी कास्ट होते हैं चुनाई की निस्बत। चुनाई इसमें भी होगी लेकिन क्योंकि 4 इंच की होगी इसलिए कम मैन पावर इस्तेमाल होगी, जबकि लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम में ज्यादा टाइम लगता है चुनाई करने में। तो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम की निस्बत ज्यादा होती है। चले आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो है एक्सकेवेशन के बारे में। तो दोस्तों, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में एक्सकेवेशन कम करनी पड़ती है लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम की निस्बत। एक और वीडियो में मैं आपको, क्योंकि जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, खुदाई सिर्फ हर कॉलम के नीचे करनी पड़ती है उसका पांव बनाने के लिए, यानी कि उसकी बुनियादें बनाने के लिए। ये ऐसे ही समझ लें जैसे टेबल या चेयर होता है उसकी टांगें नीचे आ रही होती हैं, वही सिस्टम होता है आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का। घर के केस में टेबल की टांगे कॉलम बन जाती हैं और नीचे की फुटिंग कैसी होती है आप देख ही सकते हैं। तो जाहिर है इसके लिए तो कम ही खुदाई करनी पड़ेगी ना, वरना घरों के लिए तो आपको पता है पूरी पूरी चुनाई की दीवार के नीचे लंबी लंबी खुदाइयां करनी पड़ती हैं। क्या आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की बुनियादों का क्या डिजाइन होता है और लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम की बुनियादों का क्या डिजाइन होता है, दोनों की बुनियादों के डिजाइन में क्या फर्क होता है? अगर आप चाहते हैं तो मैं बना दूंगा वो वीडियो, अगर ज्यादा लोग कमेंट करके फरमाइश करेंगे तो ही बनाऊंगा। चले आते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ, जो इस बारे में है कि घर को आप कितना ऊंचा कर सकते हैं। अक्सर ही लोग जब घर बनाना शुरू करते हैं
तो पहले वो सिंगल या डबल स्टोरी घर बनाते हैं, बाद में वो सोचते हैं अगर पैसे हुए कभी टाइम हुआ तो मैं तीसरी मंजिल भी बना लूंगा। जो सिंगल स्टोरी घर बनाते हैं वो सोचते हैं कि अगर कभी मुस्तकबिल में पैसे हुए, अल्लाह ने इस्तेआत दी, तो मैं डबल स्टोरी कर लूंगा, ट्रिपल स्टोरी कर लूंगा। तो क्या अगर आप लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम का घर बनाते हैं तो कल को आप आसानी से उसको ऊंचा कर सकते हैं, मतलब एक और स्टोरी ऊपर बना सकते हैं? तो दोस्तों, लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम के घर आमतौर पर G+1 के बनाए जाते हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, यानी कि डबल स्टोरी घर, जबकि RCC फ्रेम स्ट्रक्चर में आप घर को कितना भी ऊंचा लेके जा सकते हैं। यही तो वजह होती है कि कमर्शियल बिल्डिंग सारी RCC फ्रेम स्ट्रक्चर्स की बन रही होती है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग्स मल्टीपल स्टोरीज होती हैं, 3, 4 और 5 स्टोरीज के भी होती हैं, तो उन सब में RCC फ्रेम। जो आसानी से टूटते नहीं है, ना ही उनमें क्रैक्स आते हैं। तो अगर जलजला आए तो RCC फ्रेम स्ट्रक्चर ज्यादा सेफ रहेगा लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम की निस्बत। तो कितने ही फायदे तो मैंने आपको गिनवा दिए हैं RCC फ्रेम स्ट्रक्चर के। तो फिर तो यही दिल करता है ना कि गोली मारे लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम को, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर का घर बनाए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सब दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वायरल कर दें इस वीडियो को, सब तक ये जानकारी जानी चाहिए।
कितने ही लोग घर बना रहे हैं लेकिन उनको सिस्टम्स का ही नहीं पता। दोस्तों जाने से पहले मैं अपने नए आने वाले व्यूअर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन करता हूँ। अगर आप में से कोई मेरी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लेने में इंटरेस्टेड है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है या मुझे ईमेल कर सकता है। दोनों ही के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज़।